मसूरी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार आक्रोश है, जिसको लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा मसूरी में कैंडल मार्च कर अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। परिवार को भारत सरकार के द्वारा आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग भी उठने लगी है। मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन के पदाधिकारियों ने मसूरी पिक्चर पैलेस पर एकत्रित होकर मोमबत्ती जलाकर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश महासचिव माधुरी टमटा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन प्रदेश में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार की आज यहां पर अंकिता को लेकर एक कैंडल मार्च चलाई जा रही है, किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? आज जो है हमारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन ने जो है अंकिता भंडारी की जो निर्मम हत्या की गई है उसके लिए एक हमने कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें हमने यही संदेश देना है कि कैंडल मार्च निकालते निकालते हम लोग थक चुके हैं। कब ये देश के हालात सुधरेंगे? अब तो देश की बात तो बहुत बड़ी है, अब हमारे जो है प्रदेश में हमारे उत्तराखंड में ऐसे निर्मम हत्याएं की जा रही है बेटियों की बेटों की, इसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे जो है उत्तराखंड प्रदेश में भी ऐसे हालात हो गए हैं कि जैसे हम लोग कभी यूपी में सुनते थे कि आए दिन जो है कोई ना कोई हत्याकांड कुछ ना कुछ होता रहता था। आज मैं हर माता पिता को यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह हम बेटियों को संस्कार दे करके पालते हैं, उसी तरह जो है हर माँ बाप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन करके अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कारों के साथ पालेंगे तो लगता है कि इस तरीके के हालात सुधरेंगे, क्योंकि हर इंसान को हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को किस तरीके के संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि अगर संस्कारों में पले बड़े बच्चे होंगे तो इस तरीके के कारनामे कभी नहीं करेंगे। क्या मानते हैं जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा के नेता इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं, तो उसको लेकर क्या बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल यही लगता है कि बीजेपी बचाने की ही कोशिश कर रही है, क्योंकि सुना है कि अभी पौड़ी में वो जेल में है, लेकिन हमारा यही वो रहेगा कि वो बिल्कुल छूटने ना पाए, उनको कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाए, उनको जो है फांसी की सजा दी जाए। और अंकिता भंडारी जो है एक गरीब परिवार से है, पौड़ी के गरीब परिवार से है वो लड़की, और ना जाने किस परिस्थिति में उसको मजबूरन नौकरी करने के लिए निकलना पड़ा, 10,000 की नौकरी मात्र के लिए उसको जो है ऋषिकेश में जाना पड़ा, जिस आज देखने को मिल रहा है कि ये सरासर जो है सरकार उन्हें बचाने की ही कोशिश कर रही है कि रातों रात जो है उसका सिर्फ उसी रूम को उसी कमरे को जला दिया गया जिसमें कि सबूत थे, और उसी कमरे को तोड़ा गया है। तो ये सब साजिश ही लग रही है कि बीजेपी वालों की, ये बिल्कुल साजिश है। और हम जो है अपने संगठन के माध्यम से जो है ये कहना चाहेंगे कि जो उनके दो ही भाई बहन थे वो उससे छोटा एक भाई है, भाई को जो है सरकारी नौकरी दी जाए, और 2 करोड़ की मांग हम यहाँ पर करते हैं अपने संगठन के माध्यम से कि हमारा संगठन ये मांग करता है कि अंकिता के परिवार को जो है मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपए दिए जाएं। वैसे उस बच्ची के 2 करोड़ रुपए अगर वो जिंदा होती तो पता नहीं कितना अपने माँ बाप के लिए करती, कितना वो अपने परिवार के लिए कर पाती, लेकिन 2 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। तो सरकार से सिर्फ एक ये मांग है कि उसके परिवार को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुआवजा उनको दिया जाए, और उसके उनके जो बेटा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहीं ना कहीं विरोध जताया है। देखो जी, जो अंकिता भंडारी छोटी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जिन्होंने उनके साथ किया उनको जल्दी से जल्दी कठोर सजा दे, फांसी दे, और हम सरकार से करते कि जो उनके आर्थिक मदद करे, और जो उनके भाई है उसको कहीं ना कहीं ऐसे सरकारी नौकरी दिलाए जो उनके आर्थिक सहायता चल सके, आर्थिक रूप से भी मदद करने की। बेटी थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए वो बाहर नौकरी करने गई। इस हिसाब से जो उनकी हाल की जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हम सरकार से यही वो करते कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने, उनके भाई को कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में एडजस्ट करो, और जो उनके जो दरिंदे थे उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा सुनाए। सभी को पता ही है कि हमारे उत्तराखंड की लड़की के साथ क्या क्या हुआ है, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके कारण हमारे माता पिता भी हमें घर से बाहर भेजने के लिए 100 बार सोचते हैं, और हमारी पढ़ाई पे भी रोक मार रहे कि लड़के ऐसे वैसे हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगी कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है उत्तराखंड सरकार ने, नरेंद्र मोदी भी यही का बात कर रहे हैं, पर क्या मानते हैं जिस तरीके से हत्या हुई अंकिता की, तो भय तो लगता है ना जी? तो हम ये कर सकते हैं कि उनको, अगर हम किसी लड़कियों को हर को
हर किसी को प्रेरित करें कि अब ऐसा ना हो। अगर सरकार हमें हौसला दे कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा तो हम अपने काम पे और ध्यान देंगे, परंतु अगर ऐसे चलता रहा तो माता पिता भी डरेंगे ही अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए।